लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, इसलिए डिमार्केट करके लैंड का कब्जा देने से मना कर दिया। नहीं, क्योंकि वहां पर सर कल्टीवेटर्स का कब्जा ऑलरेडी है। नहीं तो क्या कल्टीवेटर्स का कब्जा कि आपने पट्टे पर जमीन जी, जो जमीन इनको स्वीकृत की गई जिसके ऊपर इन्होंने 30 लाख रुपए जमा करा दिया, स्टैम्प ड्यूटी देकर एग्रीमेंट करा लिया, उस जमीन के ऊपर अगर किसी का अतिक्रमण है तो आप उस अतिक्रमण को हटाने की जगह इनका पट्टा निरस्त कर रहे हैं। दिस इज द फेलियर ऑफ द कलेक्टर, लेट अस सी दैट व्हाट कलेक्टर हैज टू से। ये तो वैसा हो गया जैसा यहाँ होता है कि केस किसी को अलॉट होता है, खड़ा कोई और होता है, ठीक है, उसमें फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि अतिक्रमण है। नहीं, नहीं। आप लोग अधिकारी के रूप में काम करना कब शुरू करेंगे? अधिकारी के रूप में आप अधिकारी के रूप में नहीं करते हैं, आप लोग पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कलेक्टर को बोलिएगा अगर वो चाहता है इज्जत से एग्जिट, तो जो है 7 दिन में एनक्रोचमेंट रिमूव करके रिपोर्ट लेकर आ जाए। Here before Lordship is challenging the order of cancellation of mining lease on the ground that it has been passed by an incompetent authority, my lord, passed without following principles of natural justice. No notice was issued before cancellation of my mining lease and passed with malice in law, my lord. My lord, the order is passed by the collector, my lord. Yes. Whereas rule 4A of just a minute. Yes. My lord. Okay. If my lord sees. बताइए कैसे आपने पहले पट्टा एग्जीक्यूट किया, पैसा जमा करा लिया, रजिस्टर करा लिया, तब आपको नहीं मालूम था कि वहां पर जो दूसरे लोगों का कब्जा है? My lord, in fact, government land, my lord. रुक तो जाइए, एक मिनट समझने तो दीजिए इनसे। लॉर्ड मैं काइंडली हैव द इंप्यूट ऑर्डर, माय लॉर्ड, द रीजन वही पढ़ रहे थे, इंप्यूट ऑर्डर ही पढ़ रहे थे। पैरा 9 ऑनवर्ड्स, माय लॉर्ड, मैं काइंडली पैरा 9, पैरा तो कोई डाला नहीं कलेक्टर साहब ने, पैरा 9 हां पढ़ लिया। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, इसलिए डिमार्केट करके लैंड का कब्जा देने से मना कर दिया। नहीं, क्योंकि वहां पर सर कल्टीवेटर्स का कब्जा ऑलरेडी है। नहीं तो क्या कल्टीवेटर्स का कब्जा कि आपने पट्टे पर जमीन जी उसमें फाइंडिंग ये आई है कि सर वो कब्जा जो है डिफरेंट लैंड का दिया हुआ है, मतलब सॉरी पट्टा जो है वो डिफरेंट लैंड का दिया हुआ, बट दे आर इन पोजेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पट्टा ऑन अ डिफरेंट लैंड। उसके लिए तो वो अतिक्रमणकारी होगा, तो दैट्स व्हाई माय लॉर्ड, दैट्स व्हाई द कलेक्टर इन द लास्ट पैराग्राफ हैज इशूड डायरेक्शन माय लॉर्ड आइदर टू माय लॉर्ड टेक द रिमूव द एनक्रोचमेंट और टू टेक द एक्सरसाइज ऑफ चेंज ऑफ लैंड। Change of land for whom? For patta holders, not the cultivator. That is different. But how can his interest be? Inka nirast kaise ho jayega? For your failure to exercise your authority and carry out the when the justified, not my respect. You are not justified. You are not justified. You ask your collector to file affidavit that how can he do this? जो जमीन इनको स्वीकृत की गई, इसके ऊपर इन्होंने 30 लाख रुपए जमा करा दिया, stamp duty देकर agreement करा लिया, उस जमीन के ऊपर अगर किसी का अतिक्रमण है आप उस अतिक्रमण को हटाने की जगह इनका पट्टा निरस्त कर रहे हैं। दिस इज द फेलियर ऑफ द कलेक्टर, लेट अस सी दैट व्हाट कलेक्टर हैज टू से एंड हाउ कैन ही जस्टिफाई। नॉट अ रिटर्न इज देयर, योर रिटर्न डज योर रिटर्न से दिस? नॉट, वी वुड हैव बीन डिफरेंट, इट वुड हैव बीन डिफरेंट दैट लैंड व्हिच हैज बीन अलॉटेड टू हिम वुड हैव बीन इन कल्टीवेबल पोजीशन ऑफ सम एक्स वाई जेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लीगल राइट vested in them, be it patta, be it ownership, be it anything. That, but once you admit that they are the encroachers, patta kisi aur jameen ka hai, ye to waisa ho gaya jaisa yahan hota hai ki case kisi ko allot hota hai, khada koi aur hota hai, theek hai, usme fir aap ye to nahi keh sakte ki atikraman hai. Nahi, mera sir isme ye hai ki collector ne reason ye assign kiya hai ki you are not happy with the reason given by your collector, ask your collector to file affidavit. Kaam ke liye tha hi nahi, unko demarcation ka order tha, usko usko demarcation karke dena chahiye tha. That means that he is under political pressure, your collector is under political pressure. Yes, sir. You want, we will observe this. Dekhiyega, this petition is filed being aggrieved of the order dated 26-10-2023 passed by the collector Bhopal on the ground that petitioner had obtained a lease of agriculture land contained in survey number 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and part of survey number 43 measuring 3.840 hectares for operating a crusher for a period of 10 years full stop. This lease was granted by the mining department on 17-6-2021 full stop. Petitioner had deposited a stamp duty of about 4 lakh rupees and demand draft of rupees 30 lakhs and had executed an agreement full stop. When he sought possession of said land, then concerned tehsildar filed order dated 20-2-2023
informed that there is likelihood of cause of law and order problem on account of illegal encroachment of certain persons. Full stop. Next para. Shri Amit Seth admits that those who are in possession of the land under question are not the owners or allottees, but they were given patta somewhere else and are in cultivable possession of the land which has been allotted to the petitioner. Full stop. This submission of Shri Amit Seth, learned Deputy Advocate General, amounts to. Lord, in fact, if you Lord, let me see the last part, my Lord, the collector has directed the SDO, my Lord, to undertake the exercise either for removal or to exchange, my Lord. So, we are not concerned. He cannot do this. He'll have to. He cannot shrug his responsibility. We will write that also. He cannot shrug his responsibility. If somebody is in an encroacher, then he has to be removed. Amounts to tacit admission that the land which was allotted and in relation to which agreement was executed with the petitioner is not in a is not under bona fide possession of any of the agitators, oblique farmers. Full stop. The order of the collector to, in the last three paragraphs, admits another fact that he has directed the subdivisional officer either to evict the encroachers or to exchange the land. Full stop. This clearly reveals that Collector Bhopal has failed to act bona fidely to get the encroachment removed and appears to be under some political pressure to not to evict the encroachers from the land which has been bona fidely allotted to the petitioner and for which an agreement has been executed. Full stop. Next where, let Collector Bhopal file his personal affidavit that why encroachment is not being removed. Question mark. Two, within how much time he will get the encroachment removed. Three, if he cannot get the encroachment removed, then why he should not be made liable to pay damages to the petitioner for not able to excavate the allotted land for which agreement was already executed due to inefficiency of the district administration. Let affidavit be filed by the collector within 7 days. List on 6 August 2024. It is made clear that if collector fails to file affidavit, he shall remain personally present. आप लोग अधिकारी के रूप में काम करना कब शुरू करेंगे? अधिकारी के रूप में आप अधिकारी के रूप में नहीं करते हैं, आप लोग पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. कलेक्टर को बोलिएगा अगर वो चाहता है इज्जत से एग्जिट, तो जो है 7 दिन में एनक्रोचमेंट रिमूव करके रिपोर्ट लेकर आ जाए कि एनक्रोचमेंट रिमूव कर दिया, हमने कब्जा दे दिया है. एंड इट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर द कलेक्टर. इफ कलेक्टर इज वर्थ हिज सॉल्ट, ही कैन गेट अ एनक्रोचमेंट रिमूव्ड विद इन 48 आवर्स. विल डू द नीड फॉर.